हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माय शैडो बीट्स और आप सबकी पल्लवी। सो एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। दो दिन पहले मैंने एक यूट्यूब वीडियो जो आज अपलोड होगी वो शूट करा था, एंड जब मैं उसको एडिट करने गई, आई डोंट नो हाउ कैसे, बट मेरे 3-4 क्लिप्स डिलीट हो गए, और उसमें से जो मेजरली इंपॉर्टेंट क्लिप थी वो है मेरा इंट्रो वीडियो, वो भी डिलीट हो गया। सो हियर आई एम अपना इंट्रोडक्शन वीडियो फिर से शूट करने के लिए। सो आज जो आप वीडियो देखोगे वो है हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है। सो मैं वैसे बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट्स के, और मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सुना है और मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड भी किया है। सो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं इसको ट्राई करते हैं एंड देखते हैं। आई ट्राई इट लाइक फॉर एक महीने में ट्राई करूंगी, उसके बाद आपको रिव्यूज भी दूंगी सबके। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एंड प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वो है माई शैडो बीट्स। ऑल्सो बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आ रहा है नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में आप सबसे सजेशन मांगा था कि मुझे यूट्यूब के लिए क्या वीडियो शूट करना चाहिए, और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, थैंक यू सो मच। एंड मैं सारे रिकमेंडेशंस ध्यान में रख के वीडियो बनाऊंगी जो कि नेक्स्ट वीक से आना स्टार्ट होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड चलो तब तक ये वीडियो देखते हैं। सो फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट विद माय स्किन केयर। सो स्किन केयर में मैंने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, सिरम चेंज किया है। आई थिंक मैं बॉडी शॉप का सिरम लगा रही थी फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स। माय बेस्ट फ्रेंड सजेस्टेड मी सुगंधा, शी वॉज यूजिंग सुगंधा, आई थिंक शी इज यूजिंग एक्चुअली इन फ्रॉम लास्ट 2 months, एंड दे सजेस्टेड मी दैट इट्स गुड, यू शुड गिव इट ट्राई। मैंने उस पर रिसर्च किया दैट वेदर इट इज़ यू नो वॉट इज गुड फॉर माई स्किन टाइप इन सुगंधा, एंड देन आई फाइनलाइज 2 ऑफ द सीरम। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन नाइका, बट मैंने डायरेक्टली सुगंधा की वेबसाइट से ऑर्डर किया है, एंड दिस इज हाउ दे हैव डिलीवर्ड द पैकेज, दे हैव कूरियर्ड द पैकेज फ्रॉम डिलीवरी। सो नाउ लेट्स गो, दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स विच आई हैव ऑर्डर्ड, वन इज विटामिन सी सीरम दैट इज एंटी ऑक्सीडेंट सीरम, एंड द अदर वन इज AHA सीरम दैट इज द एक्सफोलिएटिंग सीरम। दिस एंटी ऑक्सीडेंट सीरम बेसिकली ये हमारा वाइटामिन सी सीरम है विद 10%, में डिफरेंट परसेंटेज आते हैं, बट वट आई हैव ऑप्टेड इज फॉर 10%। द वेट ऑफ दिस बॉटल इज 10 ml, एंड विच आई बॉट इट फॉर लाइक 599 rupees। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस AHA सीरम दैट इज 10% लैक्टिक एसिड विद द गोटू कोला एंड ग्रीन टी। तो दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग सीरम, अगर आप उसको देखोगे बोलते हैं कि आपको हफ्ते में 2-3 बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहिए, बिकॉज एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द डेड सेल्स। आपके जो मेकअप से या जो पोल्यूशन से जो डेड स्किन आ जाती है, एक लेयर आती है वो एक्सफोलिएशन से हटती है। सो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं कि जनरल जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि शुगर से कर लिया, शुगर एंड हनी से कर लिया, या मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल से, कि एक्सफोलिएशन आपका अच्छे से हो, डेड स्किन हट जाए। मैं भी पहली बार यूज़ कर रही हूँ ये वाला एक्सफोलिएशन सिरप। आई गिव ऑल द रिव्यूज़ लेटर, आई मीन आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ मंथ, एक महीने बाद आपको रिव्यूज़ भी दिखाऊंगी। सो द प्राइस ऑफ दिस बॉटल इज $6.99 फॉर 20 ml। नेक्स्ट वी हैव दिस प्रोलिक्सर फेस मास्क, मैंने नाइका से ऑर्डर किया, आप इसकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। फर्स्ट जो प्रोडक्ट था उनका, दिस वॉज दिस सी एल्गी मास्क, एंड आई थिंक पीपल, आई हैव हर्ड दैट पीपल स्वेयर बाई इट, मतलब इट्स वेरी गुड। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, एंड इसके साथ हमको ये इन्होंने एक एप्लीकेटर भी दिया है, आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर, आप देखो ये कलर, एंड इसके बेनिफिट्स मैंने बहुत ज़्यादा सुने हैं कि अगर आपको क्विक रेडियंस चाहिए ब्राइटनिंग, सो इट गिव्स यू अ गुड ब्राइटन स्किन विद इन 10 minutes। इज वन गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च दैट जनरली जब हम फेस मास्क लगाते हैं तो हम अपना ये जो अंडर आईज होते हैं, डार्क सर्कल्स अंडर आईज, ये हम इस पर नहीं लगाते, बट दिस प्रोडक्ट इज सेफ टू बी अप्लाइड इन योर डार्क सर्कल्स, भी शायद ये उस एरिया को भी रेडियंट करेगा। या सी आई गिव यू माई रिव्यूज आफ्टर 1 month। सो नेक्स्ट इज अ हेयर केयर प्रोडक्ट दैट इज बाई प्योर बाय प्रियंका, अगेन इट्स अ हर्बल इंडियन ब्रांड। प्योर बाय प्रियंका की वेबसाइट से ऑर्डर किया, कम फ्रॉम ब्लू डार्ट। सो इट हैज 2 थिंग्स, दे हैव गिवन दिस कॉम्प्लीमेंट्री फेशियल ओपन
This is the product which I have ordered. That's Pure by Priyanka. Good hair day condition. Okay, so this is 300 grams and it is priced at 900 rupees. I am like totally, you know, inclined towards herbal products. तभी मैं Forest Essential Body Shop use करती हूँ. Shampoo में भी मैंने Body Shop का shampoo काफी time पहले use किया था. वो तो मुझे बहुत ही बेकार लगा. मतलब मेरे skin, मेरे hair के लिए it was not. I have tried all the variants of Body Shop shampoos. It didn't suit me at all. Then I switch to Forest Essential. So now let's talk about this conditioner. So when I open this conditioner, it comes like this. इसका texture है ये. And it smells really good. पूरा वो herbal and moringa. पता नहीं इसमें moringa है क्या है. But it smells really good. It's a off-white color. Texture काफ़ी smooth है. Cream based है. This conditioner is free from parabens, mineral oil and it's very natural. Pure by Priyanka ने मुझे एक Upton complimentary दिया है. It's a skin Upton. It's a complimentary stuff. So ये हमारा last box है जो हम open कर रहे हैं. Nykaa में mostly out of stock होते हैं तो मैंने website prefer किया. So let's open this box and see what they have sent to me. This is how the inside packaging looks like. First lot. ये काफी सुंदर है यार. इससे हम photo click कर सकते हैं अच्छे से. This looks very nice. I'll use it for my photographs. So first चीज जो आई है यहाँ पे, that's a hair growth oil. Yes. So ये मैं पहले बता देती हूँ, Vilva के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इज अगेन रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड, बिकॉज उसने काफ़ी रिसर्च की है. मैंने जो फर्स्ट वीडियो यूट्यूब में डाला था, इट वाज हाउ आई यू नो प्रिपेयर माय ओन ऑयल एट होम विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सो मैं हमेशा उसी ऑयल को लगाती हूँ एंड मुझे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. बट माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी सम अमेजिंग रिव्यूज अबाउट दिस हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल. शी हैज़ बीन यूजिंग इट फॉर लाइक 2-3 months. आई थॉट दैट वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई. द मेन मैजिक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ. सो मैं यूज़ करके आपको रिव्यूज बताती हूँ बाद में. द क्वान्टिटी ऑफ दिस बॉटल इज 100 ml, विच आई बॉट फॉर लाइक विच इज प्राइज्ड एट 650. सो महंगी है काफ़ी. सो आई एम होपिंग कि रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे देंगे ये. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ऑन माय हेयर. सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस गोट मिल्क शैम्पू, व्हिच इज एनरिच्ड विद 3 pea प्रोटीन एंड जैस्मिन हाइड्रोसॉल. सो इसके रिव्यूज बहुत ही क्रेजी हैं. जो लोग अगर ये किसी को सूट करता है तो पीपल स्वेयर बाय इट. I'm just hoping कि जो रिव्यूज पढ़ के मैंने ये लिया है, मैं भी क्रेजी हो जाऊँ इसको यूज़ करने के बाद. सो व्हेनेवर यू यूज अ शैम्पू, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ अ शैम्पू विच इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेंस और सल्फेट्स. सो दिस शैम्पू हैज़ नो सल्फेट, नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल एंड नो सिलिकॉन. एंड इट हैज़ दिस अमेजिंग रिजल्ट्स, बिकॉज गोट मिल्क जो होता है, दैट इज़ ऐसा बोलते हैं कि पुराने ज़माने में कि गोट मिल्क वॉज द बेस्ट मिल्क अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ यू नो the benefits, the health benefits. So I am just hoping that this shampoo turns out to be good, majorly to fight the dryness and the frizziness of the hair. And जैसे कि मेरे curly बाल तो बहुत ज़्यादा frizzy होते हैं, बहुत dry भी होते हैं. So let me give it a try and I'll give my reviews. And this is 200 ml which I bought for 590. Next is again a shampoo. अब आप सोच रहे हो मैंने दो shampoo क्यों order किया. Hear me out. मुझे डैंड्रफ भी है थोड़ा थोड़ा, और अगर डैंड्रफ होता है तो उसके लिए डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए. इसलिए मैंने ये हर्बल शैम्पू, दैट इज़ डैंड्रफ कंट्रोल बैलेंस्ड एंड हैप्पी स्कैल्प, उसके लिए मंगाया है. सो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ है एंड आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई भी हैं तो ज़्यादा डैंड्रफ शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू यूज़ इट ऑल्टरनेट, मतलब एक बार ये फॉर सम टाइम, जब तक मेरे डैंड्रफ नहीं चले जाए. डैंड्रफ के लिए काफ़ी चीज़ें सुनी थी, लाइक कर्ड यूज़ करो या फिर कपूर यूज़ करो, कोकोनट ऑयल यूज़ करो, मेथी यूज़ करो, बट आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस ब्लैक पेपर. सो जब मैं रिसर्च करी थी Vilva की साइट पे तो मुझे ये शैम्पू दिखा एंड आई रेड अबाउट इट. इट हैज़ दिस ब्लैक पेपर विच इज सपोज टू बी द मैजिक इन्ग्रीडियंट इन दिस शैम्पू, जो कि डैंड्रफ से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो देखती हूँ मैं इसके रिव्यूज़ भी मैं आपको दूंगी बाद में. एंड अगेन द प्राइस ऑफ द शैम्पू इज द सेम, 200 ml फॉर 590 rupees. द
दिस इज़ आवर लास्ट प्रोडक्ट विच इज़ लैवेंडर एंड ऑरेंज बॉडी बटर. जनरली व्हेन इट कम्स टू बॉडी केयर मैं बॉडी लोशन कम यूज़ करती हूँ और बॉडी बटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ. एंड मैं जनरली बॉडी शॉप हमेशा बॉडी शॉप की बॉडी बटर यूज़ करती हूँ. अब मैंने ये क्यों लिया है, वो मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं बाकी प्रोडक्ट बुलवा की वेबसाइट से ऑर्डर कर रही थी तो आई थिंक इट वॉज नॉट रीचिंग अ मार्क वेयर इट वॉज एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग. एंड मुझे शिपिंग चार्जेस लग रहे थे विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 290. सो मैंने सोचा कि वाई टू गिव अ 290 फॉर शिपिंग चार्जेस, इससे अच्छा है कि मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ. आई लव लैवेंडर इसलिए मैंने ये लैवेंडर फ्लेवर ऑर्डर किया है. ओ माई गॉड बहुत. सो आप ये देखो क्वान्टिटी काफ़ी कम है इसकी. आई मीन फॉर 500 rupees दिस क्वान्टिटी इज़ वेरी लेस. एंड ऑल्सो अगर आप इसको देखोगे दिस इज मोर लाइक ये बटर टाइप का तो कम बट सोप होता है ना हमारा वो सोप लग रहा है. एंड अगर मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊं तो ऐसा है. लेट मी अप्लाई इट. नो ओ माय गॉड आफ्टर अप्लाइंग इट्स वेरी स्मूथ. सो गाइस दिस वाज इट माय रीसेंट परचेजेस व्हिच इज टोटली हर्बल. मतलब मैंने एक्सेप्ट दैट ट्रोलिक्सर फेस मास्क सब कुछ जो मैंने खरीदा इट वॉज प्योर हर्बल एंड ऑल ऑफ देम आर इंडियन ब्रांड्स. So I hope you guys like this video and please like, comment and share with your friends. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe it now. And do not forget to follow me on Instagram. That is my shadow beats. Till then, bye. See you in my next video.